हेलो दोस्त, निराला किचन में आपको स्वागत करता हूँ। मैं आखिर आज मैं आपसे लौकी का कोफ्ता का एक रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत ही आसानी से घर पे ही बना सकता है। और आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है लौकी का कोफ्ता, जो आप राइस, रोटी, हर एक चीज़ के साथ में सर्व भी कर सकता है। तो चलिए दोस्त, कैसा बनाया जाता है लौकी का कोफ्ता एक बार देख लेता हूँ। हमने एक लौकी को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इस लौकी को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने एक लौकी पूरा कद्दूकस कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हाथों से हम इस लौकी का जितना पानी है इस तरह से निचोड़ के पानी को निकाल देंगे हम। तो हमें थोड़ा जोर लगा के करना होगा, इस पानी को निकालना होगा। आप चाहे तो कोई कपड़े का सहारे से भी इस पानी को निकाल सकते हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा जल्दी निकल जाएगा पानी, इसलिए हम हाथ से ही निकल रहा हूँ। तो मैंने इस तरह हाथों से सारे पानी को निकाल दिया है। और इस पानी को हम अलग से एक कटोरी में रख देंगे, क्योंकि हम जब इस मसाले में पानी डालेंगे तब इस पानी का भी हम यूज़ करेंगे। तो सारे कद्दूकस किया हुआ लौकी को हम पानी निचोड़ के इसमें हम मसाला डालेंगे। तो हमने डाला चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन हम डालेंगे, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसी के साथ हम थोड़ा सा चिल्ली पाउडर भी डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़ा हरी मिर्ची भी चॉप काट के डाल सकते हैं। और इसी में डालेंगे हम थोड़ा सा बेसन, तो थोड़ा अच्छी तरह से बाइंडिंग होगा। तो हम इस बेसन को अच्छी तरह से मिला देंगे इस कद्दूकस किया हुआ इस लौकी के साथ में। और इस तरह से हाथों से हम छोटा छोटा बॉल जैसा शेप में कर लेंगे, जैसा हम वेज मंचूरियन वगैरह बनाता हूँ सेम उसी तरह। तो मैंने इस तरह से वेज मंचूरियन का बॉल जैसा बना लिया है सारे लौकी को। अब हम साइड में एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है तेल का। तेल का कढ़ाई तेल भी हमारा गर्म हो गया। अब इस तेल में हम एक एक करके इस बॉल को छोड़ देंगे और अच्छी तरह से ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे हम। तो हम थोड़ी देर फ्राई कर लिया है, अब देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन कलर जैसा आ गया है इस बॉल का कलर। अब हम इसे निकाल देंगे। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुआ, हम दोबारा फिर एक बार फ्राई करेंगे इसको, तो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा वो। तो हम सारे बॉल को फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं ये थोड़ा क्रिस्पी जैसा हो गया। आपको अगर थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद फिर दोबारा फ्राई करें। जब तक ये ठंडा हो तब तक हम इसके लिए मसाला का रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ चार टमाटर को रफली कट कर लिया है। इस टमाटर में डालेंगे हम थोड़ा सा काजू। अब इसे हम अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हम एक मिक्सी जार के सहारे फाइन पेस्ट बना लेंगे। मार्केट में रेडीमेड टमाटो प्यूरे भी मिलता है, आप चाहे तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम घर पे ही बना लेंगे सारे। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह पीस लिया है इस टमाटर को। और उसी के साथ में हम तीन चार प्याज भी लिया था, इस प्याज को भी हम रफली काट के पेस्ट बना लिया। साइड में हम एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में डालेंगे हम तेल और इसमें थोड़ा सा हम खड़ा मसाला डाल देंगे। तो मैंने इलायची, दालचीनी, लौंग और थोड़ा स्टारफुल और तेजपत्ता डाल दिया। इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे, उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा। जीरा भी चटक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था इस पेस्ट को भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। हम ढक्कन बंद करके इस प्याज का पेस्ट को थोड़ा सा पका लेंगे, तो प्याज में जो कच्चा गंद रहता है वो निकल जाएगा। हम कम से कम 5 से 6 मिनट इस प्याज का पेस्ट को पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। तो हमने डाला चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर भी डाल दिया है। अब इस सारे मसालों को हम इस प्याज का पेस्ट के साथ में अच्छी तरह से मिला देंगे। एकदम ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं प्याज का जितना पानी था पूरा सूख गया है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटो और काजू का पेस्ट। इस पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से मिला के अच्छी तरह से पका लेंगे।
बहुत ही शानदार एक रेसिपी है दोस्त, लौकी का कोफ्ता का आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खाने में बिल्कुल सॉफ्ट। तो हम अच्छी तरह से मिला दिया है इस टमाटर और प्याज का पेस्ट को मसाले के साथ में। अब हम इसे ढक्कन बंद करके 7 से 8 मिनट आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे। 8 मिनट हो गया है, अब देख सकते हैं प्याज और टमाटर का पेस्ट कढ़ाई में लगने जैसा हो गया है, और साइड में रोगन भी छोड़ दिया है। अब इस पोजीशन में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। पानी के साथ में हम मसाले को अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और एक ढक्कन बंद करके हम और 7 से 8 मिनट पका लेंगे इस मसाले को। 7 से 8 मिनट हो गया है, अच्छी तरह से उबल गया है। जब तक उबले तब तक हम इस बॉल को और एक बार फ्राई कर लेंगे, तो थोड़ा सा और भी क्रिस्पी हो जाएगा। कम ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 मिनट के करीब फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना शानदार कलर निकला है इसका, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर जैसा आ गया है, और साइड में हमारा मसाला भी पक रहा है अच्छी तरह से। अब हम इस बॉल को निकाल लेंगे सारे। कितना क्रिस्पी हो गया आप देख सकते हैं, पहला से बहुत क्रिस्पी हो गया है। अब इस बॉल को हम इस मसाले में डाल देंगे। मसाला भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, थोड़ा सा पतला हमें रखना होगा, ना तो बॉल डालने के बाद वड़ा सोख कर लेगा इस पानी को। और थोड़ा सा कसूरी मेथी हम इस तरह से हाथ में मसल के डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। और हमने जो बॉल को फ्राई करके रखा था, इस बॉल को भी हम डाल दिया है इस मसाले में। थोड़ा सा बारीक काटा हुआ धनिया पत्ता भी हम डालेंगे इसमें, और आराम से 2 से 3 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा मसाला भी लौकी का बॉल सोख कर ले। अब देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। तो हमारा लौकी का कोफ्ता बन के रेडी है, देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। और रोटी पराठा हर एक चीज़ के साथ में आप सर्व भी कर सकता है, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, इसका मसाला भी देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा सा है। एक बॉल काट के आपको दिखाता हूँ कितना सॉफ्ट है, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्त, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही शानदार एक रेसिपी है लौकी का कोफ्ता का, और बिल्कुल सॉफ्ट। लौकी का कोफ्ता का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेसिपी का वीडियो आपका दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा रेसिपी चाहिए, तो मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लौकी का कोफ्ता एंजॉय कीजिए, हम फिर मिलेंगे कोई नया रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए।